Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 12 June 2019, Wednesday है, सुबह के 8:09 हो रहे हैं. आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. कल हमने देखा निफ्टी में फिर से एक बार अपसाइड मूव दिखाई दिया. हालांकि एक पैटर्न बन रहा है, दोजी काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है. कंटिन्यूस 3 days हो चुके हैं, जहां पर ओपन हो रहा है उसी के पास आके क्लोज हो रहा है, तो इनडिसिसिव पैटर्न बन रहा है. तेजी तो दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पर ओपन हो रहा है वहीं पे आके क्लोज हो रहा है. तो आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 11 जून आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,951 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,848. तो ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. इस वर्टिकल लाइन का राइट साइड का डेटा हमें कल का कैंडलस्टिक का डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये निफ्टी इंडेक्स हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ और होते ही ये टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव किया. तो इसके बाद जैसे ये फिर से एक बार नॉर्थ साइड ये मूव दिखा रहा था, तो इसने हमारा ये ब्रेकआउट लेवल जो था ये ब्रेक किया और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 11,974 ये भी अचीव्ड हुआ और सेकेंड टारगेट 11,990 ये भी अचीव्ड हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अगर 10 लॉट्स के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के प्लान का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार हल्के से गिरावट के साथ बंद हुए. डाउ जोन्स, नासडैक, डाउ जोन्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली 14 पॉइंट्स की. यूरोपियन बाजार देखें तो कल हरे निशान में बंद हुए थे और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है. निक्केई 13 पॉइंट्स अप है, लेकिन चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट अभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव सेशन के बाद यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है. 21 पॉइंट्स की गिरावट अभी डाउ फ्यूचर में है. एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 15 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है इस समय. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी मिले जुले संकेत आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. जैसे कि हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का जो लेवल है 76.4, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. तो ऊपर 12,078 ये एक हर्डल है. अभी इसके ऊपर जाने के लिए इसे प्रीवियस हाई भी ब्रेक करना होगा, लेकिन प्रीवियस वीक के हाई और लो के बीच में ही अभी ये दो ट्रेडिंग सेशंस हो चुके, लेकिन ये इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है. और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना है दो बार, ये अराउंड 11,750 के लेवल के पास है. तो अगर नीचे आता है निफ्टी इंडेक्स तो 11,750 एक मेजर फर्स्ट सपोर्ट होगा और ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे की तरफ 20 एमए तक निफ्टी इंडेक्स आता हुआ दिखाई दे सकता है. ठीक है, तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. ये है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे दोजी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, यानी जहाँ ओपन हो रहा है दिन के एंड में उसी के पास आकर ये क्लोज हो रहा है. तो यहाँ पर ये दोजी जब भी बनता है तो यहाँ पर इनडिसिसिव पैटर्न होता है, यानी बुल्स और बियर्स में जबरदस्त फाइट चल रहा है. निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाकर बंद हो रहा है, लेकिन जो ओपन है उसी के पास आके क्लोज हो रहा है. कंटिन्यू 3 ट्रेडिंग सेशंस. और ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसका ना तो हाई तोड़ा है और अभी तक ना ही लो तोड़ा है, इसके बीच में आके ये क्लोज हो रहा है. तो ये यहाँ पर इनडिसिसिव पैटर्न दिखाता है. बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हालांकि निफ्टी इंडेक्स लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है. तो यहाँ पर जब तक ये इस बियरिश कैंडल को ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना निफ्टी इंडेक्स में काफी रिस्की साबित हो सकता है. तो यहाँ पर एज पर डेली चार्ट 20 एमए का फर्स्ट सपोर्ट है, ये अराउंड 11,800 के पास आ रहा है.
और इसके नीचे तुरंत ये जो स्विंग हाई हमने देखा, जो कि प्रीवियस पास्ट में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये डेली चार्ट का अभी तक का सिनेरियो। ये बेयरिश कैंडल का हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ना ही हायर हाई बनाया है ना ही हायर लो बनाया है, ठीक है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो अभी यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई इस लेवल के पास आ रहा है 11,976 ये। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो है अराउंड 11,979 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 12,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। साइकोलॉजिकल लेवल है एक, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर ये 11,979 के ऊपर सस्टेन करता है 10 या 15 मिनट के चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,000। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो काफी रिस्की होगा यहाँ पर ट्रेड करना, लेकिन अगर ये पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 11,956 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल पे आप देख सकते हैं पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर ये दूसरी बार यहाँ पर, और कल के ट्रेडिंग सेशन में शुरुआती टाइम पे इसने दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये लेवल अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, और तभी हमारा इमीडिएट फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 20 MA का पिंक लाइन है एज पर आर्ली चार्ट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि अराउंड अभी 11,936 के पास आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 11,940, ये हमारा फर्स्ट इमीडिएट क्विक टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा कल यानी प्रीवियस डे का ये जो क्लोज था 11,922, ये अराउंड 50 MA के पास आ रहा है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा 11,922। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।